मॉर्निंग बच्चों, बच्चों आप इस चैप्टर में संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको बताया है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और ये कैसे फैलते हैं। तो संक्रामक रोगों के वे रोग जो रोगी के संपर्क में आने मात्र से ही फैल जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। बच्चों और आपको संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं और संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं आपको ये भी बताया गया था। आज का जो आपका टॉपिक है बच्चों वह है रोग प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरक्षा किसे कहते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं। बच्चों रोगों से लड़ने की क्षमता ही रोग प्रतिरोध क्षमता कहलाती है और यह क्षमता जन्मजात होती है। जन्म से ही रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ शीघ्रता से बीमार नहीं होते हैं। तो वे लोग रोगी के संपर्क में आने से शीघ्र बीमार हो जाते हैं, शीघ्र संक्रमित हो जाते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, मजबूत होती है, वे लोग शीघ्र बीमार नहीं पड़ते, शीघ्र संक्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में चाहे वह जल हो, वायु हो, विभिन्न प्रकार के जीवाणु और रोग के रोगाणु उपस्थित रहते हैं। लेकिन सभी संक्रमित नहीं होते हैं, सभी बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका कारण यही है कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, अधिक है, वे शीघ्रता से संक्रमित नहीं होते, वे रोग के रोगाणुओं से लड़ते हैं और अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, या यूँ कहा जाए कि रोग के रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हें संक्रमित नहीं कर पाते। लेकिन जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, कमज़ोर है, वे शीघ्रता से अपने रोग के रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोगों से संक्रमित कर देते हैं। बच्चों संतुलित आहार ग्रहण करना, व्यायाम के और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना, बुरी आदतों से दूर रहना, व्यसनों से दूर रहना, तो व्यक्ति का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह अच्छी होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन ना तो वो संतुलित आहार ग्रहण करते हैं, ना ही उन्हें स्वास्थ्य के नियमों के विषय में जानकारी है, और यदि जानकारी भी है तो बहुत अधिक उसको महत्व नहीं देते हैं, और ये ही एक कारण है जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत कमज़ोर होती है और जिससे वे संक्रमण रोगों के शीघ्र शिकार हो जाते हैं। बच्चों वैसे तो संक्रमण क्षमता जन्मजात होती है लेकिन फिर भी इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला इसका जो प्राकृतिक पहला जो प्रकार है वह है प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा है कृत्रिम रोग प्रतिक्षमता। प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता तो बच्चों संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना, व्यसनों से और बुरी आदतों से दूर रहना, यदि सभी एक सामान्य व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी देखा जाता है कि जो सभी इन सभी नियमों का पालन भी करता है फिर भी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होती, उसके लिए बच्चों कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता के टीके आते हैं, वो टीके लगवाए जाते हैं जिससे कि वे संक्रामक रोगों से बचे रहते हैं, या यूँ कहा जाए कि संक्रामक रोगों से बचे से लड़ने की उनमें क्षमता विकसित हो जाती है। कई रोगों के टीके जैसे टाइफाइड, हैजा और अन्य कई रोग इस प्रकार के हैं जिनके रोगाणु रोगी के शरीर में बहुत थोड़ी मात्रा में प्रवेश करा दिए जाते हैं, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति के शरीर को रोगी नहीं बनाते बल्कि
उस रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि व्यक्ति का शरीर उस रोग से लड़ने योग्य हो जाता है और फिर वह उस संक्रमण रोग से शिकार कभी नहीं होता। तो बच्चों, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ रोग ऐसे भी हैं, जैसे चेचक है, तो ये टाइफाइड है, ये सब ऐसे रोग हैं जो लाइफ में एक बार जब हो गए तो व्यक्ति का शरीर उनसे, उन रोगाणुओं से लड़ने का अभ्यस्त हो जाता है और दोबारा फिर उनको ये रोग नहीं होता। यानी कि ये रोग एक बार हुआ तो शरीर उन रोग के रोगाणुओं से लड़ने का, उसके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उनके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और उनसे लड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और फिर दोबारा उन्हें वह रोग नहीं होता। तो या तो टीके लगवाकर या फिर रोग होने के बाद भी फिर वह रोग दोबारा नहीं होता। तो ये बच्चों, ये जो प्रतिरोधक क्षमता है ये कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। बच्चों, प्रतिरोधक क्षमता के और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसे कहते हैं अर्जित प्रतिरोधक क्षमता। यानी आप विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। आप संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति के से डिस्टेंसिंग बनाकर, दूरी बनाकर रहें, उसके सामान का उपयोग ना करें तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और आप रोगों से बचे रहेंगे। तो बच्चों, आज आपने जाना कि प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है। कल आपको अन्य टॉपिक्स पर बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।